फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल हब। और आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप लोग देख रहे हैं आठवीं बार मालगाड़ी लखीमपुर में। जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पास में भी जाके दिखाऊंगा। और मालगाड़ी एक बार फिर से लखीमपुर में बजरी लेके आई है, काफ़ी बड़ी मालगाड़ी है। और साथ साथ एक और अपडेट, साथ ही साथ देख रहे होंगे ट्रैफिक पोस्ट जो हैं, सिग्नल पोस्ट हैं, उसको पेंट कर लिया गया है और लाइट्स लग गई हैं। आप देख सकते हैं लाइट्स लग गई हैं इसमें, और अभी इसमें बाकी काम होना बाकी है। लाइट्स लग के पोल एकदम रेडी है, और ये दूसरे वाले ट्रैक का पोल है, ये पहले वाले ट्रैक का पोल है, और वो तीसरे वाले ट्रैक का पोल है, और तीनों में लाइट्स लग गई हैं। और मालगाड़ी सामने आई है, मैं वो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। आप लोग देख लें मालगाड़ी आपके आंखों के सामने, और एक बार फिर से लखीमपुर में। और उम्मीद है ये मालगाड़ी गोला ज़रूर जाएगी, और ये जाते हुए आगे कैची बना ली गई है। रतलाम का ये लोको शेड है, रतलाम जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का ये लोको शेड है 13280। और कैची से अब होते हुए ये लखीमपुर स्टेशन की तरफ बढ़ता हुआ, तो एक बार फिर से मालगाड़ी लखीमपुर में सीतापुर की दिशा से आई है। और उम्मीद यही करता हूँ कि ये मालगाड़ी गोला ज़रूर जाएगी। और जैसा कि न्यूज़पेपर्स में भी निकला है कि CRS जो है वो 28 फरवरी को होना है, और जिस तरीके से जिस स्पीड में काम चल रहा है, उम्मीद है कि 28 फरवरी को CRS संभव है। अब बाकी हालात के ऊपर डिपेंड है कि कब CRS पॉसिबल हो पाएगा। और धीरे धीरे गति बढ़ती हुई मालगाड़ी की, और आगे क्रॉसिंग भी है, उसकी वजह से दिक्कत होगी। गति बढ़ा ली गई है मालगाड़ी में, काफ़ी स्पीड में हो गई है अब। और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि CRS 28 फरवरी को होगा, और उसी दिन स्पीड ट्रायल भी होगा। मैं ये भी व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि उसी दिन स्पीड ट्रायल भी होगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। और देखिए अब गाड़ी जो है स्टेशन पे पहुंच गई है, तो स्पीड स्लो कर ली गई है, गार्ड कोच भी आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जैसा देखा कि मालगाड़ी आई लखीमपुर खीरी, और एक बहुत बड़ा हादसा लखीमपुर खीरी में होते होते बस रह गया है।
मालगाड़ी लखीमपुर की तरफ बढ़ रही थी राजापुर क्रॉसिंग पे, और वहाँ पे यही वाली जो छोटी, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे जो छोटी वाली ये ट्रेन, छोटी वाले जो इंजन थोड़ा डब्बा तैयार किया गया है, जहाँ पे आम गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे ये तैयार किया गया है। इसीलिए तो बस ये उसमें कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से ये वहाँ रोक दी गई थी, और मालगाड़ी काफ़ी स्पीड में आ रही थी। बस 200 मीटर की दूरी पे ब्रेक लगा के ये बहुत बड़ा हादसा रुक गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप अगर आप भी चाहते हैं रेल हब का मेंबर बनना तो प्लीज़ हमें वीडियो सेंड करके, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करिए। आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैं वीडियो की एंड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।